बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो है जो थर्ड एक्सरसाइज को देखना है। हमने अभी तक इस चैप्टर में 13 चैप्टर में पहली एक्सरसाइज को देखा था। हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी, फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखा। 3 मेथड से हमने उसको कैसे सोल्व करते हैं इस तरह से देखा। अब हम आते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं। टू और मोर इक्वेशंस दैट कैन बी सोल्व टुगेदर टू फाइंड टू और मोर अननोन नंबर्स और कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन, अगर आपने 3 अननोन फाइंड करने होंगे तो 3 इक्वेशंस होंगी, 2 अननोन फाइंड करने होंगे तो आपके पास 2 इक्वेशंस होंगे। ठीक है, ये चीज याद रखनी, जितने अननोन होते हैं उतनी ही इक्वेशंस होती हैं आपके पास। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे तो उन्होंने डिफरेंट बताया मेथड्स कि आपने किस तरह से वेरिएबल को रिड्यूस करना है और या फिर किस तरह से इक्वेशंस को बराबर बनाकर करेंगे। तो आप ये सारे एक बार बुक से देख लीजिएगा, सैंपल पे आते हैं ताकि प्रैक्टिकल वर्क करें, ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आए। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1, 5x+4x=0, 3x-4x, 4y=17। अब यहाँ पे है, ये 7 है और ये 17 है, और ये देखिए इनके कॉफिशियंट 5 और 3, इसका कॉफिशियंट 4 और -4 है। ठीक है, इसके दोनों कॉफिशियंट बराबर है लेकिन साइन डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखने में तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आप अगले क्वेश्चन में इसको आसानी से कर सकें। कि हमने दोनों इक्वेशंस को लिख दिया, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ऐड करने से साइन चेंज नहीं होते। तो हमने दोनों इक्वेशंस को सिंपल ऐड किया। तो मैं इसको ऐड करूंगी तो ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि ये दोनों 4x और -4y+4 और -4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों ऐड होकर ये बन जाएंगे 8x। ठीक है, ये 8x आ जाएगा और ये 0, ये दोनों कैंसिल हो गए। और यहाँ से 17 और 7 को ऐड करूँ तो ये बन जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ से मैंने 8 को डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3। ठीक है, क्या करना है, हमने जो है कोफिशिएंट्स को बराबर करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, इस तरह से देखना होगा। फिलहाल तो अभी जो आपको 2-3 एग्जाम्पल्स होंगे उनमें कोफिशिएंट बराबर होंगे पहले ही। अगर बराबर नहीं होते तो हम बराबर कर लेते हैं कोफिशिएंट को, उनको कैंसिल करने के लिए। अब यहाँ से यहाँ एक्स की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम ये जो एक्स की वैल्यू है या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, दोनों में से जिसमें मर्जी पुट करें आपका आंसर आ जाएगा। हम इसको इक्वेशन 1 में लेट्स सपोज पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5x+4y=7 है ना। अब यहाँ पे हमने सारी वैल्यू इसको एक्स को पुट करने के बाद रीअरेंज किया इधर वैल्यू को, तो हमने देखा वाई के रिजल्ट जो है -2 आ जाएगा। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया 3 और -2। अब जब एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई, अब हम अपना देखते हैं कि हमारा जो है चेक में देखते हैं कि हमारा जो एक्स और वाई का रिजल्ट है सही आया या नहीं आया। अभी जो पीछे क्वेश्चन अभी तक हमने देखी थी पिछली, उसमें हमारे पास एक ही इक्वेशन होती थी जिसको हमने क्वाड्रेटिक बना लिया या फिर उसको हमने डिफरेंट मेथड से सोल्व कर लेके फार्मूला से सोल्व कर लेते थे या फैक्टराइजेशन कर लेते थे या कंप्लीटिंग स्क्वेयर कर लेते थे। यहाँ पे 2 इक्वेशन है तो हमें 2 बार चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। पहले हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन को देखा, 7 बन गया और इक्वेशन 1 के लिए। ठीक है, इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। फिर इक्वेशन 2 के लिए हम आए तो फिर हमने उसमें पुट की वैल्यू एक्स और वाई की, तो देखा उसका आंसर 17 जो था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो चेक आपने याद रखना है इस चैप्टर में जो हमने चैप्टर 13 स्टार्ट किया है, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या फिर साइमल्टेनियस हो, आपने ये चेक जरूर करना है। इस चेक का मतलब होता है कि आपको श्योरिटी हो गई है कि आपका आंसर 100% श्योर है और आपका क्वेश्चन सही सोल्व हुआ। ठीक है, अच्छा इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x-3y=2। अब देखो इसका ये जो इक्वेशंस है इनका पहले दोनों एक्सरसाइजेस से कोई कंसर्न नहीं है। जब आपको खुद बहुत पता चल जाएगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, 2 इक्वेशंस गिवन है और इनको हमने सोल्व करना है। पहले जो भी हमने अभी पढ़ा था चैप्टर में, फर्स्ट 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 एक्सरसाइज या सेकंड एक्सरसाइज, उसमें एक इक्वेशन थी और उसको हम सोल्व करते थे। यहाँ पर 2 इक्वेशंस है तो हमें इनको इनका सोल्यूशन निकालना है। अच्छा, अब इसमें क्या है, हमारे पास x-3y=2 और ये इतना सही है। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास जो दोनों है कॉफिशियंट वाई के बराबर है लेकिन साइन सेम है। अब साइन सेम है, मैंने भी आपको बताया था अगर हम ऐड करते हैं तो कोई साइन में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नेगेटिव साइन वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने ऐसा करना है, हमने सिंपल जो है इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन को तो ये जो माइनस साइन था ये प्लस हो जाएगा। बादा जो माइनस साइन था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस, ये माइनस का प्लस हो गया और ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 10 के साथ माइनस है तो ऑलरेडी वो प्लस बन जाएगा। अब 10 को 2 को ऐड करूँ तो वो बन जाएगा हमारे पास, 10 और 2 को ऐड किया तो 12 बन जाएगा। ठीक है, और 3 और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे।
एक्स और ये माइनस करें तो ये माइनस थ्री एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस थ्री एक्स इक्वल टू 12 ही आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ से हमने एक्स का रिजल्ट निकालना होगा। हमने रिजल्ट निकाला, ये देखो ये 3x माइनस इक्वल टू 12 था, इसका आंसर निकाला हमने, ये बताया ना मैंने भी, माइनस साइन है तो प्लस बन जाता है और प्लस हो तो माइनस बन जाता है। एक्स की यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास -4। अब जब ये -4 आ गई तो अब किसी भी दोनों को इक्वेशन वन में या टू में जिसमें मर्जी पुट करके आप उसमें से आप वाई निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे इक्वेशन वन में पुट किया, यूजली आमतौर पर इक्वेशन वन में पुट करते हैं, इक्वेशन वन में पुट की एक्स इक्वल टू -4, तो हमारे पास सोल्व करके सिंप्लीफाई करके वाई का रिजल्ट -2 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक्स और वाई दोनों का रिजल्ट सॉल्यूशन सेट में आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमने अपना चेक देखना है कि हमारी ये दोनों आंसर, हम एक्स और वाई अपने इक्वेशन वन में पुट करके देख लिया आंसर बराबर आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, और इक्वेशन टू में भी देख लिया कि दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। अगला हमने देखो कहा है कि सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस व्हेन कोएफिशिएंट्स आर नॉट न्यूमेरिकली इक्वल। अभी देखो तो हमने दोनों देखे हैं ना न्यूमेरिकल, वो जो कोएफिशिएंट इक्वल थे, एक में बस साइन का चेंज डिफरेंस था लेकिन इक्वल थे कोएफिशिएंट वाई वाले, इसमें भी वाई वाले कोएफिशिएंट सेम थे लेकिन साइन दोनों के बराबर थे। अब यहाँ पे हमारे पास है सोल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x-4y = 8, 4x+5y = 12, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है दोनों के कोफिशियंट सेम नहीं है, पिछले दोनों क्वेश्चन एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमारे कोफिशियंट्स जो थे वो सेम थे, अब यहाँ पे हमें कोफिशियंट्स को सेम बनाना होगा फिर उसको सेम करना। अब ये इक्वेशन वन इक्वेशन टू हमने इनका नाम दे दिया, पहली इक्वेशन वन है दूसरी टू है, टू एलिमिनेट द टर्म इन वाई, अगर हम वाई को कंसिडर करके इसको एलिमिनेट करने चाहें तो हम क्या करेंगे, जो पहली इक्वेशन है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो दूसरी इक्वेशन है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम इनको बराबर बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से। आप देखेंगे 5 4 20 20, मतलब दोनों के ये बराबर आ जाएंगे, ये -20 आ जाएगा और यहाँ पे +20 आ जाएगा। इस तरह से हमारे दोनों कोफिशियंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम क्या कर लेंगे, एडिंग कर लेंगे। हाँ से दोनों के बराबर आ जाएंगे, अब हमने ऐड कर लिया मजीद, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है और साइन तो पहले डिफरेंट है दोनों के, इसलिए हमने ऐड कर लिया। सिंपल ऐड करने के बाद आपने देखा कि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 15 और 16 को ऐड करें तो 36 बन जाता है, 40 और 84 को ऐड करें तो 124। यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, ठीक है। अब जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने एक्स को पुट करना है वाई किसी भी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से हमने रिजल्ट निकाल लिया वाई का। इसके बाद यहाँ से हमारे पास वाई का रिजल्ट आ जाएगा y = 1, ठीक है, एक्स का पुट किया वाई का रिजल्ट आ जाएगा। अगला हमारे पास जब पूरा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा चेक करना है हमने कि हमारा रिजल्ट सही है या नहीं। हमने जो इक्वेशन वन को कंसीडर किया लेफ्ट हैंड साइड, अब देखो यहाँ पे ऊपर को मैं दिखाती हूँ इक्वेशन वन में क्या है हमारे पास, 3x-4y = 8 है, तो मैंने यहाँ पे 3x रख दिया जो हमारा आया और वाई रख दिया यहाँ पे, इस तरह से 3x-4y किया तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा हम सोल्व करके 8, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में इस तरह से बराबर आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब है हमारा जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया सोल्यूशन सेट सही है। यही हमने सेम प्रोसीजर इक्वेशन टू के लिए भी किया, हमने यहाँ पे देखा कि हमारा रिजल्ट जो है बराबर आ जाएगा, इसका मतलब है हमारा ये जो है दोनों सॉल्यूशन सेट की वैल्यू सही है। पता है नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, इसमें क्या है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हमारे पास पहली इक्वेशन है 6x-5y+7 = 0, नेक्स्ट है हमारे पास 4x = 3y-44। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में ये कि पहले तो हमें इसको रीअरेंज करना है, इसमें भी अरेंज फॉर्म में भी नहीं है, एक्स वाई सीक्वेंस में लाएं कॉन्स्टेंट एक्स साइड पे लाएं, पहले तो हमने सबसे पहले अपनी इक्वेशन को अरेंज करना है, ठीक है। रीअरेंजिंग द टू इक्वेशंस, हमने इक्वेशंस को रीअरेंज किया, पहली को नाम दे दिया वन, दूसरी को हमने कह दिया कि इक्वेशन टू है, दोनों को नाम नेम देने के बाद अब हम आते हैं कि हमने देखा इसका कोफिशियंट 5 है इसका कोफिशियंट 3 है, हमें बराबर कोफिशियंट करने, आप चाहे एक्स के कोफिशियंट बराबर कर लें चाहे आप वाई के कोफिशियंट बराबर कर लें। अब अभी हमने जितनी भी एग्जाम्पल्स किए सब में वाई का किया, तो इसलिए फिर आप जो है मुनासिब समझ सकते हो वाई का कर लें। अब यहाँ पे इन्होंने वाई का किया, इन्होंने क्या किया कि जो हमारे पास इक्वेशन वन है उसमें हमने 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, पूरी होल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को। आप देखेंगे 5 3 15 और 3 5 15, दोनों 15 15 आ जाएंगे यहाँ पे और पूरी इक्वेशन में चेंज आ जाएगा क्योंकि हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया ना लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी, इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे ये मसला है कि दोनों के साइन सेम है, हमने क्या किया हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ऐड करके हम तो हमारा जो आंसर है वो
आपस में यहाँ पे कैंसिल ना होते, हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस साइन था, ये प्लस साइन बन जाएगा, ये माइनस साइन है ये प्लस साइन बन जाएगा, ये प्लस साइन है तो ये माइनस बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पे देखते हैं -20 आ जाएगा, ये +15, ये +220, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। 18 और -20 को ऐड किया तो -2x आ जाएगा, -210 को 220 को ऐड किया, कैलकुलेटर पे कर लें, बाय हैंड कर लें, जैसे आपको इजी लगता है। यहाँ से x का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा -5। x का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर हमने इसको पुट करना है किसी रिजल्ट में, किसी भी क्वेश्चन पर से क्वेश्चन में पुट किया तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा y का 8। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट तो आ चुका है। अब जब सॉल्यूशन सॉल्यूशन सेट आ जाएगा फिर हमारा काम होता है कि वीएन वाले में हमने अपनी इक्वेशन को चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं। हमने यहाँ पे ये देखे रखा लेफ्ट हैंड साइड में, ये सारे पुट किया -70 और देखा बराबर आ गया, और दूसरी क्वेरी में भी रखा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अब आपने अभी तक तो आपने यही सीखा है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस में आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं और दो ही इक्वेशंस होते हैं। हमने पिछले जो क्वेश्चन किए थे क्वाड्रेटिक के देखे थे या लीनियर के देखे थे, उनमें एक ही इक्वेशन थी और एक ही वेरिएबल होता था। क्वाड्रेटिक में ये था कि वेरिएबल की पावर इंक्रीज हो जाती थी, 2 पावर हो गई या उसके बाद 1 x 1 आ गई तो कॉन्स्टेंट आ गया। यहाँ पे तो आपके पास दो वेरिएबल्स है, एक्स और वाई, दो वेरिएबल, उनको सोल्व करना है साइमल्टेनियस। हमारे पास सॉल्विंग लीनियर सिस्टम इन द वेरिएबल इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस, अब अगर फ्रैक्शन वाले आ गए तो उनको कैसे सोल्व करना होगा। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हमारे पास 5x/6+3y/8=-1 की दूसरी इक्वेशन होगी। अब ये दो दो इक्वेशंस है, याद रखना है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं है, ये हमारे पास लीनियर वाली इक्वेशंस को मतलब यूज करके नहीं आएगा, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसमें दो इक्वेशंस है और दो ही अननोन है। अब यहाँ पे हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, एलसीएम लेना है। पहले तो हमने इक्वेशन 1 2 को लिख लिया, अब हमने रिमूव करने के लिए जो फ्रैक्शंस को रिमूव करने के लिए हमने एलसीएम ले लिया। हमने जो 6 और 8 को मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा था, 24 से होल इक्वेशन पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास देखिए 24 को मल्टीप्लाई किया आपस में कटिंग करके हमारे पास इक्वेशन 3 बन जाएगी। आगे 4 3 12 होता है, 12 से पूरी इक्वेशन होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, हमने देखा ये हमारे पास सोल्व हो गया, सिम्प्लीफाई हो गई, ये आ जाएगी। इसको इक्वेशन 3 कह दिया, इसको इक्वेशन 4 कह दिया। ठीक है, कैसे किया है कि जो इनके आपस में नीचे जो हमारे डिनोमिनेटर में वेरिएबल दो हैं, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आता है पूरी इक्वेशन के साथ वो मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे दोनों वेरिएबल दोनों जो वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना, जैसे कि 4 3 12 और 8 6 हमारे पास 24 आ जाएगा। इस तरह से पूरी पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके हमने सिम्प्लीफाई करके 3 और 4 इक्वेशन बना ली। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमने एडिंग करना है, ऐड करना है। देखिए इसका साइन +9, इसका -9 है, यानी कि साइन का डिफरेंस है, कोफिशिएंट बराबर है दोनों के। हमने किया एडिंग, इक्वेशन 3 को 4 को ऐड किया तो आपस में 9 और ये 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ दोनों की वैल्यू सेम है, साइन का डिफरेंस है, तो अब ये 20 और 8 को ऐड करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। -24 और -16 को भी ऐड किया तो ये -84 बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास एक्स का रिजल्ट तो -3 आ जाएगा, और इस -3 को हमने फिर इक्वेशन 3 में से या 4 में से किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 3 में पुट करते हैं आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक्स और वाई का रिजल्ट आ जाएगा। याद रखते हैं पहले आप एक्स की वैल्यू लिखते हैं सॉल्यूशन सेट में, उससे अगली वाली वैल्यू आप सॉल्यूशन सेट में वाई की लिखते हैं, सीक्वेंस में लिखते हैं एक्स और वाई। यहाँ से एक्स वाई का रिजल्ट आ गया, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है हमने चेक करना है, तो वो चेक यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन आपने चेक उसको जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अब यहां पे पॉइंट्स में आपको गिवन है, तो आपने क्या किया पहले तो इक्वेशंस को लिख लिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब पॉइंट्स को एलिमिनेट करने के लिए हमने जो है डेसिमल की जो है मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को भी इक्वेशन 2 को भी, तो हमारे पास ये बन जाएगा 15 8 12 7 12 44। इस तरह से हमारे पास होल नंबर में इक्वेशन आ गई, ये पॉइंट्स में थी। इसको पॉइंट्स में खत्म करने के लिए हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों इक्वेशंस को। अच्छा जी, अभी हमारे पास 3 4 इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये देखो इसका कोफिशिएंट 8y है, इसका 12y है, हमने कोफिशिएंट्स को जो है एलिमिनेट करना होता है, तो हमने क्या किया हम 8 8 इस वाली फर्स्ट इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और इक्वेशन जो ये देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/3 इक्वेशन 4/2। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पे 8 4 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा, और 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 24 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या हुआ कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि हमने साइन चेंज करने होंगे ना, तो सब्ट्रैक्ट किया। अब ये माइनस प्लस साइन था तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस साइन हो जाएगा। इस तरह से हमने ये सारी इक्वेशन को लिख लिया, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है,
एक्स का रिजल्ट हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। जब एक्स का रिजल्ट आ जाएगा, हमने एक्स के रिजल्ट को पुट किया हमने क्रियन थ्री में, तो हमारे पास यहाँ से वाई का रिजल्ट भी आ जाएगा, और वाई एक्स के रिजल्ट को हमने इक्वेशन सेट में लिख लिया। अब यहाँ पे चेक, अच्छा किसी एग्जाम्पल में चेक नहीं था, लेकिन आपने चेक को जरूर लिखना है करना है आपको। फिर हमने चेक किया सारी क्रेन में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके, हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली क्रेन टू के लिए भी हमने किया तो दोनों बराबर आ जाएंगे। अभी अब आते हैं इसके बाद ही हमारे स्टेशनरी क्वेश्चन, ये हम कल देखेंगे। इससे रिलेटेड में एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 13.3। हमारे पास सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हमने सोल्व करना है। 1 2 3 इस तरह से क्वेश्चन है हमारे पास, 10 हमारे पास पार्ट्स है इसके, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ये 2x + y = -7, 3x + 2y = -12। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने पहले कहा था ना आप x के कोफिशियंट्स को बराबर बना लें या y के, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे इन्होंने x के कोफिशियंट्स को बराबर कर लिया, पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये 6 बन जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा। इस तरह से इक्वेशन आपकी कन्वर्ट होकर आ गई। इसको जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को, फिर आपने इक्वेशन 2 पूरी को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। यहाँ पे आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये प्लस साइन था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से 3 और इसको माइनस किया तो -y आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा y = -3। इस y = -3 को हमने फिर इक्वेशन 1 में पुट किया, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x का और y का। जब रिजल्ट आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमने अपने आंसर को आ गया। अगला आपका स्टेप चेक है। चेक मैंने आपको पहले बताया था, ये सॉल्यूशन बुक पे चेक वाला वो चीज जो है स्किप की हुई है, तो आपने इसको खुद से जब अपने नोट्स बनाने हैं तो उसमें करना होगा और अपने पेपर में भी करना है। अच्छा ये सेकंड है हमारे पास 3x = 10 - 2y। अभी यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, रीअरेंज करना है। हमने इक्वेशन को 1 और 2 रीअरेंज करके बना लिया। यहाँ पर हमने देखा हमारे पास ये कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर है, ठीक है, एक्स वाले कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर है, तो बस हमें यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना होगा। प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस साइन हो जाएगा। सिर्फ सिंपल साइन में चेंज आएगा, बाकी ये जो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2y 5y को किया तो ये 7y बन जाएगा, इनको ऐड किया तो ये बन जाएगा -28। यहाँ से हमारे पास वाई का रिजल्ट आ जाएगा, और उस वाई के रिजल्ट को फिर हमने इक्वेशन 1 में पुट करना, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास उसके बाद एक्स का रिजल्ट भी आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट में एक्स वाई दोनों का रिजल्ट आ जाएगा। फिर हमारा स्टेप क्या होगा कि हमने इस एक्स और वाई को चेक पे भी यूज करना है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है या नहीं। फिर हम इक्वेशन 2 में भी पुट करेंगे, देखेंगे कि हमारा रिजल्ट बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3 465 x + 75 y = 1615, 75 x + 465 y = 1005। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यूज काफी बड़ी बड़ी है, ठीक है। हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को जो है हमने मल्टीप्लाई किया 75 से, और इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 465 से, ठीक है। कि आपने कोफिशिएंट अगर एक्स के बराबर बनाने हैं, ठीक है, एक्स के बराबर बनाने हैं, तो आपने क्या किया, इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 465 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 465 है, ये 75 है, ये 475 है, ये 465 है, दोनों के कोफिशिएंट्स पे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस तरह से बनेगी जो इक्वेशन, काफी बड़ी बड़ी इसकी मतलब लंबी वैल्यूज आएंगी, लेकिन आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करके देखना कि देखिए 465 और 75 दो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 75 और 465 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे क्या करना होगा, अब हमारे पास साइन जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हमें साइन चेंज करने है ना, तो ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस वाला माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों वैल्यूज आपस में खत्म हो जाएंगी। इसको देखा हमने प्लस और ये माइनस वाला, तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ये इसको आंसर को मजीद सिंप्लीफाई किया तो इतना से हमारे पास वाई का रिजल्ट आ जाएगा। जब ये वाई का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर हमने इस वाई के रिजल्ट को पुट करना है किसी भी इक्वेशन 1 में या 2 में, आपकी अपनी मर्जी। हमने इक्वेशन 1 में इन्होंने यहाँ पे पुट कर दिया वाई का रिजल्ट, तो हमारे पास एक्स का रिजल्ट आ जाएगा 1 सॉल्व करके। यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, एक्स का रिजल्ट भी आ जाएगा, वाई का रिजल्ट भी आ जाएगा, और इसको फिर आपने चेक में यूज करना है, ठीक है, इक्वेशन 1 के लिए भी इक्वेशन 2 के लिए भी, के आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12y = 5x + 16। अब इनको सबसे पहले तो दोनों इक्वेशंस को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, और हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको नाम दे दिया।
जहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास कोफिशिएंट्स बराबर करने के लिए पहली इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। जिस तरह से हमने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके ये हमारे बराबर आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब यह है कि आपके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये इनको ऐड किया तो ये 122y बन जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो -366 बन जाएगा। इस y वाली ये जो कोफिशिएंट है इसको यहाँ पे डिवाइड किया तो हमारा y का रिजल्ट आ जाएगा 3। और इस 3 को फिर हमने y को 3 को पुट करना है इक्वेशन 1 में, वहां से इक्वेशन 3 में 1 में मतलब 3 में कर रहे हैं आप, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इक्वेशन 1 में कर रहे हैं में तो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद आया था ना 3 1 में करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एक्स का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक्स का रिजल्ट भी आ चुका है, वाई का रिजल्ट भी आ चुका है, और यहाँ से हमारे फिर जो है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा चेक का। चेक में हमने अपने ये जो एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करना होगा अपनी ओरिजिनल इक्वेशंस में और देखना होगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन, हमने एग्जांपल भी देखी थी 9x over 5 plus 5y over 4 = 47/10। अब ये हमारे पास इक्वेशन है फ्रैक्शंस में, हमने क्या करना है फ्रैक्शंस को खत्म करना है। अगर तो 5 4 का हमारे पास क्या होता है 20, 20 से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इस तरह से आप जो ये है हमारा बना हुआ ये फ्रैक्शन में ही खत्म होके सिंपल एक इक्वेशन बन जाएगी। अब 9 8 का हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 8 72 आ जाएगा। इस इक्वेशन पूरी इक्वेशन को हमने 72 से मल्टीप्लाई करना है, हमारा जो फ्रैक्शन है वो खत्म होके आ जाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि हमने एलसीएम लिया बोथ साइड्स पे 5 4 10 के अकॉर्डिंग जो है ये हमारा 72 बनता है और 9 8 36 के अकॉर्डिंग हमारा एलसीएम बनता है 72। इसको हमने 20 से मल्टीप्लाई कर लिया, इस वाले साइड को हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया 72 के साथ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके ये हमारे पास अच्छा इसका आप जरूरी मेथड ये नहीं कि आप एलसीएम लें 5 4 10 का फुल एलसीएम निकाल के ही करें, 9 8 6 का फुल एलसीएम निकालें। आप इन दोनों जो वैल्यूज होती है ना, ये जो इस तरफ राइट हैंड साइड की जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज है, आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, 5 4 20 आएगा, 9 8 72 आएगा। तो आप इनको भी यूज करके मल्टीप्लाई करके दोनों साइड से बोथ साइड से आप निकाल सकते हैं इस तरह से। अच्छा यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 आ जाएगी सिंप्लीफाई होके। इसके बाद हमारा स्टेप होगा कि हमने जो है इसमें देखें ये 25 और 27 ये 36 ये 16 दोनों किसी के भी कोफिशिएंट बराबर नहीं है, हमें कोफिशिएंट बराबर करना है फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। हमने कहा इक्वेशन 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 के साथ और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 36 के साथ। ठीक है, ये 16 है तो 36 के 36 है तो 16 के साथ और ये 16 है तो 36 के साथ मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ से आप देखेंगे हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी 576x प्लस 400y, और इस तरह से ये दोनों रिजल्ट आ जाएंगे। ये अब हमने सब्ट्रैक्ट कर दें तो साइन भी चेंज हो जाएंगे, यहाँ से हमारे पास ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर कैंसिल आउट होकर वाई का रिजल्ट आ जाएगा। और ये यहाँ पे यहाँ से हमारे पास वाई का रिजल्ट वाई इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा। इस वाई इक्वल टू माइनस टू को मैं पुट करूंगी इक्वेशन 3 में 5 फॉर्म में निकाली थी, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा रिजल्ट भी आ गया, वाई का रिजल्ट भी आ गया। बेसिकली हमारे पास सॉल्यूशन सेट में दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स भी आ जाएगा और वाई भी आ जाएगा, और फिर उसके बाद हमने इनको चेक में यूज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम वही पैटर्न हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये बेसिकली फ्रैक्शन में इक्वेशन है। तो हमने सिंपल पहले इनको इक्वेशंस को सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, फिर हम इनके कोएफिशिएंट बराबर करके फिर हम कैंसिल आउट करके वैल्यूज निकालते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, 4 7 का हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 21 भी है ना तो इसका यहाँ पे प्रॉपर एलसीएम ले लिया। अब वहां पे वो 10 था तो इसका ना भी ले, लेकिन यहाँ पे ये 4 7 और 21 तीन है इसलिए इनका यहाँ पे एलसीएम ही लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे हम करते हैं लेट सपोज 4 है 7 है 21 है, इसका हम करते हैं ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं इसको अगर 4 पर लेके जाती हूँ 4 1 4 हो जाएगा, बाकी दोनों वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएंगे। 7 पे के टेबल पे मैं लेके जाती हूँ तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, नेक्स्ट हम मैं लेके जाऊंगी 3 के टेबल पे तो तीनों ही 1 1 आ जाएंगे, 1 1 एंड 1। अब क्या करना होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। आपने 7 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाता है, 21 को भी मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 4 के साथ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 84। ठीक है, या फिर 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया और उसके बाद 4 के साथ तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 21 सॉरी 84 आंसर आ गया। ठीक है, इस 84 को फिर मैंने होल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे 3 2 और 36 है,
इनको भी फिर ऐसे आप करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। अब यहाँ पे ये वो है कि आपके पास ये जो 3 और 2 है ये 36 के ही सब फैक्टर है, तो आप 36 से पूरी क्वेन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहली में तो आपको एलसीएम लेके निकालना ही पड़ेगा, दूसरी में आप 36 जो है आपका एक ओवरऑल वैल्यू लेके होल क्वेन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले क्वेन को हमने 84 के साथ किया, सेकंड क्वेन को हमने 36 के साथ किया, क्योंकि हमारा 2 और 3 उसके सब फैक्टर थे इसलिए। यहाँ पे हमने देखा पहली क्वीन जो है सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा, जो सेकंड क्वीन थी वो सिंप्लीफाई होके क्वीन 4 ये बन जाएगी, 36 के साथ मल्टीप्लाई करती है वो क्वीन पे। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि देखिए इनमें कोई भी कोफिशिएंट बराबर नहीं है, हमने सबसे पहले तो कोफिशिएंट बराबर बनाने होंगे। तो हमने किया कि क्वीन जो 3 है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 24 के साथ, ताकि जो 24 या 21 आपस में इस तरह से बराबर हो जाए। इस वाली क्वीन को मल्टीप्लाई कर दिया 24 के साथ, इस वाली क्वीन को मल्टीप्लाई कर दिया 21 के साथ, ताकि हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स के ये बराबर बन जाए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सबट्रैक्ट करना है ताकि साइन भी चेंज होता है। सबट्रैक्ट किया ये दोनों साइन चेंज होकर माइनस हो जाएंगे, यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट में आ जाएगा वाई वाला -270 और ये -45। यहाँ से हमारे पास वाई का रिजल्ट आ जाएगा। इस वाई वाले रिजल्ट को फिर मैं एक क्वेन में पुट कर लूंगी, तो हमने देखा यहाँ से हमारे पास थ्री में पुट किया और हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स का। ठीक है, अब दोनों सॉल्यूशन सेट में हमारे एक्स और वाई के रिजल्ट आ चुके हैं। इन दोनों को फिर बाद में चेक में यूज करेंगे कि हमारा आंसर सही आया या नहीं। हमने किसी भी क्वेन में पुट कर दिया एक्स और वाई की वैल्यू, पहले देखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी पहली क्वेन में फिर दूसरी क्वेन में दोनों केस में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7th पार्ट, इसमें हमारे पास देखें पॉइंट्स में ये भी हमने एग्जाम्पल की थी, जो आप एग्जाम्पल कर लेते हैं ना तो सेम वही उसी तरह के क्वेश्चन आपके होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास पॉइंट्स में क्वेश्चन है, तो हमने इसको सोल्व करना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपनी क्वेन 1 को भी क्वेन 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई करके, तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा पहली क्वेन। अब यहाँ पे उन्होंने 10 से मल्टीप्लाई करने के बजाय उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, आप जो पॉइंट को खत्म करने का मेथड होता है पॉइंट की जगह पे 1 लगा लेंगे और इसके नीचे 2 0 आ जाएंगे, 2 और 5 3। यहाँ पे भी इस तरह से उन्होंने ये किया, 1 आ जाएगा और ये 2 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी इस तरह से किया। अब यहाँ पे इन अदर वर्ड्स देखा जाए तो आपने इन्होंने क्या किया है कि एक तरह से 100 से मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं। ठीक है, क्यों क्यों बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस था, जो तो आपने एग्जाम्पल की थी उसमें आपके पास पॉइंट के बाद 1 प्लेस तक ही था, इसलिए हमें वहां पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों क्वेन्स को। अगर मैं इसको पहले क्वेन को मल्टीप्लाई करती हूँ 100 से, तो ये आ जाएगा 225 +75 एक्स वाई इक्वल टू 225। यहाँ से मैंने 75 को कॉमन निकाल के मेरे पास आंसर आ जाएगा 3x + y = 3, ये क्वेन 1 बन जाएगी। ठीक है, आपने देखने इस बात का ध्यान रखना है, अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज हैं तो आपने इसको 3 डेसिमल होगा तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा पूरी इक्वेशन को पॉइंट खत्म करने के लिए। यहाँ पे सेम आपके पास पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज थे तो हमने 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ इन्होंने डिवाइड करके बताया लेकिन मैं आपको वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर रही 100 से पूरी इक्वेशन को, तो आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ से देखें ये 125 +175 इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से फिर आपका 5 कॉमन निकाल के हमारे पास 25 +35 y = 41 आ जाएगा। अब हम देखते हैं एक्स और वाई की इक्वेशन में, अगर हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 35 से, तो हमारे ये जो ये वाली वैल्यू है ये 35 y है ना, तो हम इसको भी यहाँ पे 35 y बना लें ताकि आपस में कैंसिल आउट कर सकते। हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 35 से और नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, सबट्रैक्ट किया, क्योंकि साइन सेम थे, साइन चेंज करने के लिए हमने सबट्रैक्ट किया। या तो हमारे पास यहाँ पे देखें पहले तो वैल्यूज बराबर आ जाएंगी, फिर सबट्रैक्ट करने के बाद ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा x = 4/5। इस 4/5 को हमने इक्वेशन 1 में किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y का और 4/4। यहाँ से सॉल्यूशन सेट हमारे पास x और y दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। नेक्स्ट हमारे पास 8th क्वेश्चन, 4x + 5y = 6। अब यहाँ पे देखो ये जो बिल्कुल चेंज है पैटर्न, हमने जो देखा था अभी फ्रैक्शन में नीचे वैल्यूज आ रही थी, ये फ्रैक्शन में हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है एक्स और वाई। हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इट। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से करना होगा, आपने पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, ताकि हमारी जो दोनों बराबर, ये देखिए 8 है ना ये 4 है, हमने 4 इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन ये आ जाएगी। फिर हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपस में पहली वाली वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, दूसरी वैल्यूज हमारी बन जाएगी -5/y = 10। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपने जो है वाई का रिजल्ट निकालना है, y = हमारे पास आ जाएगा -1/2,
इस माइनस वन बाय टू को फिर इक्वेशन वन में पुट किया और देखा। आप देखो ये है बेसिकली अगर आप देखें रेसिप्रोकल की फॉर्म में इक्वेशन, लेकिन सोल्व आपने उसी मेथड से करना है। तो हमारा एक्स आ जाएगा 1/2, एक्स और वाई का रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन का चेक यूज करो, 9 क्वेश्चन में है, 9x + 15y = 123। सेम क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, हमने कोफिशिएंट्स को बराबर बनाना है। तो पहली इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया 15 से, दूसरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया 9 से, ठीक है। ये एक्स कोफिशिएंट्स को बराबर बना लिया, दोनों कैंसिल आउट होके यहाँ से हमारे पास वाई का रिजल्ट आ जाएगा। इस वाई को इक्वेशन 1 में पुट किया तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एक्स का। एक्स और वाई का सॉल्यूशन सेट जब आ जाएगा तो इसको हमने चेक कर लिया। लास्ट पार्ट है हमारे पास 10 जो है, 4x - 3y = 10। ये है सिंपल क्वेश्चन, इसमें आपने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, और बाद में इनको इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लिया साइन चेंज करने के लिए। यहाँ से आपके पास y का रिजल्ट आ जाएगा, फिर इक्वेशन 1 का रिजल्ट आ जाएगा, और ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।